2007 में स्टीव जॉब्स ने प्रेजेंटेशन दी थी ओरिजिनल आईफोन और उसने यहाँ पे पूरी दुनिया को यहाँ पर बदल दिया। लेकिन 17 साल के बाद एक और ऐसी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है जिससे देख के लगता है कि यहाँ पे दुनिया शायद फिर से बदल सकती है। मतलब अभी के स्मार्टफोन का रिवोल्यूशन हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं और आज के समय हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, काफी सारे सवाल आते हैं। एप्पल कहती है वो विजन प्रो जैसा फ्यूचर हो सकता है और काफी सारी कंपनीज यही ट्राई कर रहे हैं। लेकिन शायद वो जो फ्यूचर होगा वो AI बेस्ड हार्डवेयर का हो सकता है। अब AI बेस्ड हार्डवेयर के अंदर हमने काफी कंपनीज को यहाँ पर देखा है, जैसे कि ह्यूमन की AI पिन यहाँ पर देखी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी और अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है। लेकिन रिसेंटली CES के अंदर एक काफी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई थी और जैसे देख के लगता है कि अगला आईफोन मूवमेंट हो सकता है जो कि आपको AI हार्डवेयर के अंदर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे रैबिट नाम की कंपनी के बारे में बात करूँ, ये एक टेक स्टार्टअप है, US बेस्ड है और इसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसका ये कहना है कि ये स्मार्टफोन को रिप्लेस नहीं करेगा। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते रहिए, लेकिन आप हमारा छोटा सा डिवाइस यूज करके देखिए और हो सकता है फ्यूचर में आप स्मार्टफोन से ज्यादा हमारे डिवाइस को यूज करें। और ये कुछ वैसी ही कहानी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं जैसे स्टीव जॉब्स ने 2007 में आईफोन के साथ करी थी। मतलब आईफोन को जब वो लेकर आए थे तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे यार आपको कीपैड देखने को मिलता है और कीपैड से ऑपरेट कर पाने में दिक्कत होती है। उस समय स्टाइलस का यूज होता था टच स्क्रीन के लिए, इसलिए बोला फिंगर्स का यूज करेंगे, आपको हम बिल्कुल ही UI देंगे और जैसे आप मोबाइल फोन से इंटरेक्ट करते हो ना वो पूरे तरीके को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे। और वहीं से स्मार्टफोन की यहाँ पे जर्नी शुरू हुई और इतने सालों से हम स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रैबिट का कहना है कि आप स्मार्टफोन को तो यूज करते हो लेकिन स्मार्टफोन के अंदर आप क्या यूज करते हो, एप्स को। और हर एक काम के लिए ढेर सारी ऐप होती है, मतलब आपको खाना ऑर्डर करना है उसकी ऐप है, एक कैब ऑर्डर करनी है उसकी ऐप है, फ्लाइट ऑर्डर करनी है उसकी ऐप है, ट्रेन बुकिंग की ऐप है, यहाँ पे बस बुकिंग के लिए ऐप है, फिल्म देखने जाना है उसके लिए अलग ऐप है, गूगल सर्च की ऐप है, यानी कि हर काम के लिए एक ऐप देखने को मिलती है। और आजकल के मोबाइल फोन का जो UI है वो ऐप से बिल्कुल भर रखा है, यानी कि आप फोन के अंदर ढेर सारी ऐप है हर एक काम करने के लिए, सबका UI अलग है, सबकी चीजें अलग है और जब भी कुछ करना होता है ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये काम करना यार कहां से करें। यही प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो ही नहीं, आपको अलग अलग ऐप यूज करनी ही ना पड़े। मतलब पिछले 15 साल से हम लोग ऐप्स यूज कर रहे हैं और उस वाले सिस्टम को ये लोग चेंज करना चाहते हैं। अब बात करें तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं, अब इसका कहना है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कहना है कि मेरे को ये काम करना है और वो काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन सवाल आते हैं तो ChatGPT से भी कर सकते हो ना, उससे भी आप ढेर सारे सवाल पूछ सकते हो और वो आपको बेहतरीन आंसर आपको निकाल कर दे सकता है। और उसकी भी एक ऐप यहाँ पे देखने को मिलती है और उसके अंदर अलग अलग एक्सटेंशन वगैरह भी आते हैं जिनको आप यूज करके और बेटर काम कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि ChatGPT हो गया है, ये होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसमें आपका गूगल बार्ड भी आता है। और उसके साथ प्रॉब्लम बताया क्या कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ये आपको सिर्फ डेटा दिखा सकता है, आपको चीजें शो कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है, लेकिन आपके बिहाफ पे काम नहीं कर सकता। अगर आप उसे बोलो कि आपको छुट्टी मनाने लक्षद्वीप जाना है तो आपको बस बता दिया कि आप ऐसे ऐसे जा सकते हो, आपके लिए A to Z ट्रिप बुक नहीं कर सकता ये। लेकिन इन्होंने बोला है कि हमने एक ऐसी चीज बनाई है जो शायद आपके लिए सारे काम यहाँ पे कर सके और उसको बोला गया रैबिट OS जो कि बेस्ड होगा लार्ज एक्शन मॉडल जिसे LAM कहा गया है। अब ये जो लार्ज एक्शन मॉडल है यहाँ पे क्या काम करता है, सबसे पहले तो इसे किसी भी ऐप की जरूरत नहीं है और ये खुद सामने जाके हर ऐप को किसी भी UI में किसी भी इंटरफेस में सीख सकता है कि ये ऐप कैसे चलती है, वेबसाइट कैसे चलती है और आपको बस बोलना है और वो आपके लिए सारे काम यहाँ पे कर देगा, वो सारे काम उस ऐप में जाके सही जगह टिक वगैरह करके कर देगा। मतलब इतना आसान है कि अगर आपको लक्षद्वीप घूमना है तो आपके लिए पूरी आइटनरी बना देगा, आपके लिए बता देगा कि कहां से कहां तक की ट्रेन ले सकते हो, सबसे सस्ती फ्लाइट यहाँ पे कौन सी होगी, आपके लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी, सारी चीजें ये क्रिएट करके दे देगा और आपको बस एट दैट सिर्फ कंफर्म करना है। ये चीजें इतना सिंपल दिखाई गई है इनके डेमो के अंदर कि ऐसी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। अब इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल डिवाइस को बनाया और डिवाइस को देखा जाए तो उसका नाम रखा है Rabbit R1। अब Rabbit R1 जो डिवाइस है ये इन्होंने मिलकर बनाए टीन एज इंजीनियरिंग के साथ और टीन एज इंजीनियरिंग एक वही कंपनी है जिसने Nothing Ear 1 जो था वो भी Nothing कंपनी के साथ बनाया था और Nothing कंपनी के डिवाइसेस में भी इन्होंने काम किया, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट भी आपको वहां से जहां पे हार्डवेयर उन लोगों ने बनाया लेकिन इंटरनल सॉफ्टवेयर चीजें किस तरीके से काम करेगी वो यहाँ पे है। अगर Rabbit R1 के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक चीजें ही मालूम है, जैसे कि
इसका जो डिजाइन है वो आईफोन 15 प्रो मैक्स की आधी हाइट का है। चौड़ाई उतनी रहेगी लेकिन हाइट है वो उसकी आधी कर दी है। इसके साथ ही एक रोटेटिंग कैमरा इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जो कि यहाँ पे रोटेट हो सकता है। इसके साथ ही एक स्क्रोल व्हील, एक पुश टू टॉक बटन है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, 4G LTE सिम फंक्शनलिटी के साथ आता है, 4GB रैम है, 128GB स्टोरेज है और कीमत रखी है $199 और शायद $200 कीमत है। AI हार्डवेयर है, इसी वजह से इसके लिए 30,000 प्री बुकिंग आ चुकी है USA के अंदर और कहा जा चुका है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। हाँ, लेकिन कंपनी का कहना है कि अभी भी इस प्रोडक्ट को वो लोग बना रहे हैं और इसीलिए इसे बाद में यहाँ पे शिप करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आखिर क्या काम कर सकता है। उन्होंने शोकेस यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एक डेमो यहाँ पर दिया था कि यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे वो काफी अच्छे तरीके से बता पा रहा था, तो वो तो आपके चैट GPT और गूगल असिस्टेंट सीरी ये सब बता देते हैं। इसके साथ ही इन्होंने काम किया, इन्होंने क्या किया कि वेब पोर्टल से इसको एक्सेस दे दिया Spotify का और उसके बाद ये पूरी Spotify की जो लाइब्रेरी होती है उसे एक्सेस कर सकता है। उसके बाद से आप गाना पूछ सकते हैं, लिरिक्स पूछ सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि यार मेरे को कैब बुक करनी एक जगह से दूसरी जगह तक की, तो उसने कैब के लिए ऑप्शन दिखा दिया और बोल दिया कि आप डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। उसने कहा कि नहीं मेरे पास 4 लोग हैं और लगेज है तो उसके लिए कौन सी कैब रहेगी, तो वो उसने सजेस्ट कर दी। इसके साथ ही ये दिखाया था इसकी कैमरे का यूज की फ्रिज रखा है, फ्रिज के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स और अलग अलग सामान है कि यहाँ पे ये सारा सामान है मेरे पास, इसको देख के बता दो कि यहाँ पे मैं क्या खाने का बना सकता हूँ जो हेल्दी भी हो। तो वो उसने यहाँ पे उसकी पूरी रेसिपी यहाँ पर निकाल दी। कहने का मतलब है कि हम मोबाइल फोन के अंदर जो काम अलग अलग एप्स का यूज करके करते हैं ना, वो काम यहाँ पे कर सकता है और इसके लिए इस डिवाइस के अंदर कोई भी एप्लीकेशंस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यही एक चीज है जो उसको लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं फ्यूचर यहाँ पर अब देख रहा हूँ तो वो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे शायद एप्पल का विजन प्रो होगा या गूगल ग्लास होगा, हम एक बड़ा बल्कि हेडसेट यहाँ पे पहनकर नहीं घूमने वाले, कभी लगता है ह्यूमन की कोई AI पिन होगी जिसे हम यहाँ पे चिपका के घूमेंगे। लेकिन ये डिवाइस एक ऐसा जो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, कीमत भी ऐसी कि ज्यादातर लोग उसे ले लो और एक्सपीरियंस भी कर ले और आपके जो डे टू डे टास्क होते ना वहां पे मदद कर दे कि कहीं पर घूमने जाना है, कहीं पर आपको नेविगेशन देखना है, आपको बस एक क्लिक में करना है। क्योंकि अभी जानते हो प्रॉब्लम क्या है कि सीरी जैसी चीज 10 साल से ज्यादा से मौजूद है और उसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम यही है कि कोई चीज जब इन्हें समझ में नहीं आती ना गूगल असिस्टेंट सीरी को, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च के रिजल्ट देते हैं। इनका कहना है कि ये चीज यहाँ पे उससे ज्यादा फास्ट रहेगी और आपको एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर निकाल कर देगी और अलग अलग जगहों से सीखेगी। इवन इसकी खास बात है कि आप जो रैबिट OS है उसे यहाँ पे सिखा सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो। इन्होंने बहुत अच्छा डेमो दिया था मिड जर्नी का, जहाँ पे इन्होंने मिड जर्नी का यूज करके इमेज जनरेट करी, एक डेमो दिखाया उसको और उसने सीख लिया जो टीच मोड है और उसके बाद वही टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। कहने का मतलब ये कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, जहां पे AI जो रहेगी वो खुद ब खुद सीखेगी कि आप यहाँ कैसे यूज करते हो मोबाइल फोन को, कौन सी ऐप यूज करते हो, क्या करते हो, और वहां से सीख के आपकी मदद करेगी ताकि आपको कोई एक काम बार बार करना ना पड़े। एक बार उस काम को सिखा दो AI को, वो काम बार बार वो कर सकता है, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर काम करवाना चाहते हो तो वो काम भी वो खुद ब खुद सीख सकता है। ये एक लेवल आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हम यहाँ पे इमेज जनरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, या फिर जो ChatGPT जैसा चैटिंग होता है उसके बारे में काम नहीं कर रहे, हम एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो आज के समय में आपको खुद करने पड़ते हैं, उसे करने की जरूरत पड़े ही नहीं और वो AI आपके लिए यहाँ पे खुद कर दे। यही एक चीज है जो रैबिट ने यहाँ पर बनाई और रैबिट R1 इस डिवाइस के अंदर आती है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें, काफी चीजें इन्होंने प्रेजेंटेशन में छुपाई थी, जैसे कि इसका जो विजन होता है यानी कि कैमरा देख के कोई भी चीज रिकॉग्नाइज करने का टाइम होता है वो काफी ज्यादा है, जैसा उन्होंने क्लेम किया था। क्योंकि यहाँ पर एक रिसेंटली वीडियो शोकेस किया था जिसके अंदर उन्होंने एक हैंड सैनिटाइजर को स्कैन कर रहे थे और उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और उनका भी मानना था कि ये चीज अभी हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को इम्प्रूव करेंगे। और इनका यहाँ तक ये भी कहना है कि गूगल असिस्टेंट सीरी या ChatGPT से भी आपको ज्यादा फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके पीछे की और क्या टेक्नोलॉजी इसके बारे में नहीं बताया, अभी जब ये मार्केट में आएगा तभी इसकी सच्चाई यहाँ पर पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि फ्यूचर में जो AI हार्डवेयर होगा वो एक बहुत बड़ी चेंजेस हो सकते हैं कि स्मार्टफोन जिस लेवल पर काम कर रहे थे वो एक ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, उसके अंदर अब ज्यादा चीजें नहीं आ सकती और नेक्स्ट बिग थिंग के लिए अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगली बड़ी चीज क्या होगी और AI हार्डवेयर वो एक चीज लगती है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ, हो सकता है कि AI हार्डवेयर के लिए आपको ऐसे किसी डिवाइस लेने की जरूरत पड़े ही नहीं,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी को मोबाइल फोन के अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है। आज के समय में गूगल का गूगल बार्ड आता है, चैट जीपीटी आती है, सुन रहे हैं कि एप्पल भी अपनी खुद की एआई एप्पल जीपीटी पे काम कर रही है। कहीं ना कहीं गूगल भी इस टाइप की फंक्शनलिटी को अपने एंड्रॉइड में डाल सकती है। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, उनके पास सारी एप्स है, डेटा है, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर्स है, और अब तो मोबाइल फोन के प्रोसेसर के अंदर जब एआई कैपेबिलिटीज आ रही है तो उनके लिए सारी चीजें इंप्लीमेंट करना और आसान है। और हो सकता है कि शायद रैबिट R1 को देख के अब ये लोग अपने खुद की चीजों पे काम करें और आने वाले फ्यूचर एंड्रॉइड वर्जन में इस चीज को इंटीग्रेट कर दें। क्योंकि देखा जाए तो जो रैबिट काम करने की कोशिश कर रही है ना, वो सारा हार्डवेयर मोबाइल फोन में है, वहां से किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी आके रैबिट कंपनी को एक्वायर कर ले और उसकी टेक्नोलॉजी अपने डिवाइसेस के अंदर बिल्ड करना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन देख के काफी इंटरेस्टिंग लगती चीज है, क्योंकि एक जमाने में जहां पे हम मोबाइल फोन का यूज सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए करते थे, अब शायद उसकी फंक्शनलिटी शायद और नेक्स्ट लेवल पे चली जाए एआई का यहाँ पे यूज करके। अब बात करें कि स्मार्टफोन किलर है या नहीं, इसके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे को क्या लगता है कि स्मार्टफोन किलर तो शायद अभी भी नहीं बन पाएगा ये, और कंपनी का कहना है कि स्मार्टफोन का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस एक साइड डिवाइस है जिसे आप यूज कर सकते हैं। और अगर मार्केट में ये चीज पॉपुलर होती है तो मेरे को लगता है कि सभी स्मार्टफोन कंपनी इस टाइप की फंक्शनलिटीज बिल्ड कर देंगे आपके मोबाइल फोन में। देखते आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, लेकिन हाँ 2024 के बाद से AI एक ऐसी चीज होगी जिसका हम बहुत ज्यादा यूज सुनने वाले। आने वाले 10 साल में हम AI की बात करेंगे, खास तौर पे AI के हार्डवेयर के बारे में भी बहुत बात करने वाले हैं। और लग रहा है कि जो एक रिवॉल्यूशन जो स्मार्टफोन के बाद आया था, शायद वो AI के साथ आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, और शायद हमारी लाइफ को फिर से वैसे ही रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है जैसे कि स्मार्टफोन ने किया था। क्या लगता है आप लोगों को इस बारे में, ये अपनी बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।